क्या अब भी ये आप कहेंगे कि भारत लाइव फेक न्यूज़ दिखाता है, रोज़ सरकार गिराने की कोशिशें करता है, रोज़ सरकार गिराता है और शाम में बातें बदल जाती हैं? बिल्कुल नहीं। हम उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं बातों को आपके सामने रखते हैं जो राजनीतिक दल के नेता हमसे बात करते हैं। आपको बता दें कि बहुत सारी बातें होती हैं जो भीतर खाने में होती हैं, जिसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन जीतन राम मांझी और तेज प्रताप की मुलाकात के बाद कहा गया था कि ये सामान्य मुलाकात है, पर भारत लाइव एकमात्र ऐसा चैनल था जिसने ये कहा था कि दोनों की मुलाकात के पीछे बड़े राजनीतिक मंशा है। तेज प्रताप यादव मांझी से मिले और वहाँ मिल करके उन्होंने लालू प्रसाद से बात कराया। अब बात इससे भी आगे बढ़ गई है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने ये बात स्वीकार कर लिया है कि तेज प्रताप आए और उन्हें जबरदस्ती बड़ी आग्रह करके लालू प्रसाद से बात कराए। बात इतना ही नहीं है, अब इससे आगे की बात हम आपको बता रहे हैं। इसमें आपको सीधा नज़र आ जाएगा कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब प्लान खुल करके सामने आ गया है, यानी कि प्लान लीक हो गया है। जीतन राम मांझी से बर्दाश्त नहीं हुआ, बार बार पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तेज प्रताप यादव आए थे और उन्होंने लालू प्रसाद से बात की, लेकिन ये अधूरा सत्य है। पूरा सत्य क्या है हम आपको बताते हैं। आपको पता है कि जिस तरह से हस्तिनापुर का युद्ध आपने सुना होगा, हस्तिनापुर के लिए लड़ाई आपने सुनी, उसी तरह से पाटलिपुत्र का युद्ध भी रोज बदलाव की तरफ सुगबुगाहट लेकर के आया है, और इस सुगबुगाहट में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार सहज नहीं है, और न ही नीतीश कुमार के साथ सत्ता में शामिल दल के नेता संतुष्ट हैं। सभी कहीं ना कहीं अपने अपने भीतर ही भीतर तैयारियां कर रहे हैं और वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि सही मौके पर चौका लगाएंगे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी इसके अघर बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं बातों का माध्यम जीतन राम मांझी ही हैं। चाहे सिंहासन पर बैठे नीतीश कुमार का गुणगान करना हो या उनको झिड़की देनी हो, भारतीय जनता पार्टी जो इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है उसको आईना दिखाना हो या फिर बगावत करनी हो, ये सारी बातें जीतन राम मांझी करते हैं। दरअसल ये चर्चा यूं ही नहीं हुई है, इसके पीछे कई वजह हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार लालू प्रसाद अपने विधायकों से और अन्य लोगों से मिलना शुरू कर चुके हैं, और ख़ास करके उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जिनके हाथ में कुछ है, या तो 10-5 विधायक हैं या फिर वो परिवर्तन की इस लहर का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में रखे हुए हैं। आपने इस बीच में पिछले एक सप्ताह से आप बताइए कि आपने तेजस्वी यादव को बहुत एग्रेसिव होते देखा है, बिल्कुल नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि पिता के जन्मदिन के दिन भी पूरे दिन वो चुप्पी साधे रहे, शाम में मिले, मिल करके बधाई दी, और दूसरे दिन उन्होंने उस बधाई को सोशल मीडिया पर सामने रखा। इसके बाद आपको बता दें, इतना ही नहीं, बहुत सारी तलखियां बढ़ने के बाद ही भीतर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार सहज नहीं है और नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक चलना मुश्किल होगा। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार की फिजा बदली है, और ये फिजा उत्तर प्रदेश के लिए और ज़्यादा मजबूती से बदलने की तरफ इशारा कर रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में टुन्ना पांडे से मुलाकात करना हो या भीतर खाने में मनोज झा से मुलाकात करना हो, लालू प्रसाद से मिलने वालों की संख्या बहुत कम है। नीतीश कुमार नहीं मिल सकते हैं, जीतन राम मांझी नहीं मिल पाए हैं, इसके कारण तेज प्रताप यादव को ये कमान दिया गया, और तेज प्रताप यादव आप जानते हैं कि राजनीतिक रूप में उनको कितना किस तरह से देखा जाता है। तेज प्रताप यादव के मिलने को हंसी में उड़ा देना बिल्कुल ही कहीं ना कहीं सोचने और समझने की शक्ति का कहा जाए तो ह्रास होगा। आप समझ लीजिए कि तेज प्रताप यादव का मांझी से मिलना, और जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ मांझी से ही बात नहीं लालू की हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात नीतीश कुमार से भी हुई है, और नीतीश कुमार से बात होने के बाद ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट रखा गया है सामने कि क्या होगा, क्या मास्टर प्लान होंगे, और इस मास्टर प्लान का एक हिस्सा कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी हैं। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि बिहार की राजनीति अब इस देश की तरफ बढ़ रही है। प्रशांत किशोर ने भी वादा किया था और कह के गए थे बिहार से कि वो बिहार को 10 सालों में अलग देखना चाहते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं बिहार के हाथ में कमान चाहिए, और इस देश का कमान
बिहार के हाथों में देने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। आपने अमरनाथ गामी की बात सुनी होगी। अमरनाथ गामी यूं ही नहीं बोल रहे हैं, दोनों के करीब रहे हैं। आपने सुना होगा शिवानंद तिवारी की बातें, शिवानंद तिवारी यूं ही नहीं बोल रहे हैं। शिवानंद तिवारी भी बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं और उनका दोनों से संबंध रहा है। इन सारी बातों के बीच में जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि साफ तौर पे कुछ न कुछ बिहार की राजनीति में उलट पलट होने वाला है। इस बीच में आपको बता दें कि हालांकि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी के मिलने को एक पारिवारिक मुलाकात बताया था, पर जीतन राम मांझी ने जस्ट उसके थोड़ी देर बाद यह स्पष्ट कर दिया था कि लालू प्रसाद से बात कराने की जिद पर मैंने बात किया था। यानी कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी वो बड़ा झूठ नहीं छिपा पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि बिहार की जनता कल के डेट में जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा। और हमने तो खबरों के माध्यम से तभी बता दिया था, सबसे आगे आगे हमने आपको इस खबर का पूरा सच बताया था कि मुलाकात यूं ही नहीं है बल्कि लालू प्रसाद से मिलवाने की कवायद है। और अगर भीतरखाने में ये खबर चल रही है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी इसका हिस्सा है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से व्यग्रता और व्याकुलता बढ़ गई है आरसीपी सिंह की। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कर रहे हैं, जो जिम्मेवारी उन्हें मिली थी उस जिम्मेवारी को अब वो जबकि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ वाली बात है। देखिए क्या होता है बिहार की राजनीति में, लेकिन इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं ये पूरा प्लान, जिसको कहा जाए कि मास्टर प्लान जो है, वो कहीं ना कहीं पूरे प्लान के साथ चल रहा है और लालू प्रसाद इसके सूत्रधार बने हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरें आपको कैसी लगती हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और साथ ही भारत लाइव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।